कैसे एक पुलिस कर्मचारी ने थप्पड़ जड़ दिया एक ड्राइवर पर, ट्रक के ड्राइवर पर। देखिए जी, आज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आपके लीगल अधिकार पता है तो कोई पुलिस कर्मचारी आपके ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर उसने गलती से उठा दिया तो उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, ये मैसेज आप सभी के लिए, आप सभी को अपने लीगल अधिकार पता होने चाहिए। लीगल अवेयरनेस ना आपको स्कूल में सिखाई जाएगी ना कॉलेज में, तो मेरा मैसेज अपने माइंड में सेव कर लेना। कोई पुलिस कर्मचारी अगर आपके ऊपर हाथ उठाए, थप्पड़ मारे, लाठी मारे, आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी है, आसपास आपको कोई दोस्त मित्र हो वो आपका आई विटनेस होना चाहिए। उस पुलिस कर्मचारी की कंप्लेंट करने पर अगर जैसे इस पुलिस वाले ने इसको थप्पड़ मारा तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 323 इन्वोक होगा। धमकी दे पुलिस कर्मचारी कि तेरे को अंदर करूंगा, तेरे को जेल कराऊंगा, तेरे को चक्की पिसवाऊंगा, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 506 इन्वोक होगा, 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर वो पुलिस कर्मचारी थाने बुलाकर आपसे कन्फेशन ले कि इस पर साइन कर फेक केस में आपको फंसाने के लिए, तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 330 इन्वोक होगा, जिसमें आपका फेक कन्फेशन लेने की वजह से आपको फेक फंसाया जाए उसमें पुलिस कर्मचारी को 7 साल की जेल का प्रावधान है। और अगर पुलिस कर्मचारी आपको गाली गलौज करता है, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 294 इन्वोक होगा, जिसमें पुलिस कर्मचारी को 3 महीने की जेल का प्रावधान है। आपने सिर्फ वीडियो एविडेंस बनाना है या आपके साथ आई विटनेस होना चाहिए, आपको साथ साथ कंप्लेंट करना है और पुलिस कर्मचारी को उसकी सजा मिलेगी और साथ उसको सस्पेंड भी होगा अपनी जॉब से। आप सभी को अपने लीगल अधिकार पता होने चाहिए। किसी भी लीगल सलाह की जरूरत हो तो टेंशन लेने का आपका भाई बैठा है। धन्यवाद। जय श्री राम।